आज के दिन कोई कॉलेज जाना नहीं है, फ्राइडे है। बताऊं टीचर्स भी अब पढ़ाना है छोड़ दिया है। उस दिन भी बताऊं गया था, पॉलिटिकल साइंस वाले सर आए नहीं थे, बिना फालतू में दिक्कत हो गई थी। तो अब कोई दिक्कत नहीं है, अब जाना नहीं है, बस अब तो घर में बैठ के ही पढ़ेंगे। और देखो टाइम में बता दे रहा हूँ, मैं वैसे दिखा नहीं रहा, 10:30 बज गए फिक्स। और देखो थोड़ा ये कमरा गंदा हो रहा है, इसे साफ करता हूँ, मिलता हूँ थोड़ी देर। सो गाइस साफ सफाई हो चुकी है, देखो साफ सफाई, मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। देखो साफ सफाई, और सबसे तगड़ी चीज़ दिखाने वाला हूँ मैं, जो मैं खरीद के लाया हूँ भाई साहब, एलो एवोकाडो। इसकी प्राइस बताऊँ, इस साबुन की प्राइस है पूरे 460 रुपये। 460 रुपये का एक साबुन, ना कि बहुत सारे। दिखाऊं अंदर से कैसा है, तुम लोग बोलोगे भाई ये क्या लिया आया। उसने गारंटी दे दी है, इसे लगाने के 3 महीने के अंदर तुम गोरे चिट्टे निकलोगे भाई साहब। और 13 साल पुराना साबुन है भाई साहब, 150 ग्राम का है। और भाई देखो कैसा लग रहा है, इसी से मुंह धोते हैं। और भाई दिखाता हूँ कैसा इसका वो है रिव्यू, भाई बहुत तगड़ा साबुन है यार, बहुत तगड़ा। खुशबू नहीं आ रही, बट खुशबू नहीं आ रही, खुशबू से हमें क्या मतलब भाई। बट मैं बताऊं, इससे जब लेने गया था तो दिल पे पत्थर रख लिए थे, 500 रुपये का साबुन ही साबुन भाई। ये तो एक तरह का जुआ खेला है मैंने, जुए में अगर देखो गोरा हुआ तो आप लोग भी यूज करो, और नहीं हुआ तो फिर कोई दिक्कत नहीं। बट यार साबुन बहुत महंगा है, सही बता रहा हूँ। एलो एवोकाडो फेस एंड बॉडी सॉप, वर्ल्ड फेमस सोप है, इसे भाई हर कोई लगाता है, सब स्टार वगैरह इसी को यूज़ करते हैं। तो चलिए मैं भी कुछ खाने चलते हैं, या कुछ खाते हैं घर पे ही बनवा के। मम्मी से बोलते हैं पोहे बना दें, नहीं तो फिर नान खाने चलते हैं। भाई यार पेट गुलगप्पा हो चुका है, अब बताऊँ डाइटिंग वाइटिंग होगी पर थोड़ी लेट होगी, भर्ती आएंगी तब होगी। तो चलिए पहले तो अभी तो मम्मी से देखते हैं कुछ बना रही हैं कि नहीं, नहीं तो फिर नान ही चलते हैं। पानी गर्म करने लगा दिया है, बिल्कुल पानी गर्म करते ही इसका आज चेक करेंगे भाई। सच में भाई एक दिन में भी थोड़ा मालूम पड़ जाएगा, ऐसा है कुछ नहीं है। उसने बोली थी खाली मुंह पे ही लगाना, इससे पहले हाथ वाथ साफ कर लेना। तो चलिए अभी तो नहाते धोते मिलता हूँ फिर। गाइस अभी साबुन की पूरी अनबॉक्सिंग हो चुकी है, ऐसा कुछ साबुन है। तो चलिए पहले तो कुछ खाते हैं, फिर इसकी ट्रायल होगा, इसका ट्रायल। गाइस सोच रहा था बताऊँ नहाने जाने से पहले बताऊँ वो क्या नाम है, कुछ खा लूँ फिर नहाने चलेंगे। और अपना और सपना पाले जी चाय। एल्विस भाई की वीडियो देख रहा था, तो चलिए पहले तो ये खाता पीता हूँ फिर मिलता हूँ। तो गाइस अभी नहाई कंप्लीट हो चुकी है, उस साबुन से देखो ज़्यादा फर्क तो नहीं लग रहा, तुम खुद देखो भयंकर, उतना फर्क नहीं है जितना सोचा था, बट चलो उससे कोई बात नहीं। और एक मस्त न्यूज़ दू, गुड न्यूज़, जो मामू थे जो राउंड 12 की वीडियो शूट करते थे मेरे, उन्होंने सच बताऊँ कौन सी गाड़ी ली है, किया, उन्होंने किया का सोनेट का टॉप मॉडल ले लिया भाई साहब, 13.5 लाख का। अभी मामा अभी फोन आया था नानी का, तो बता रहे किया का सोनेट का अभी टॉप मॉडल लिया, बिल्कुल फुल्ली ऑटोमेटिक है, फुल्ली ऑटोमेटिक सीट वीट सब, भयंकर टच सेंसर वाली भाई साहब। यूट्यूब आप समझे यूट्यूब की पावर क्यों है, क्यों मैं यूट्यूब वीडियोस बना रहा हूँ समझ रहे हो भाई साहब। 13.5 लाख की गाड़ी एक छोटी सी उम्र में भाई 22 साल के लड़के ने ले ली, बस राउंड 12 की वीडियो शूट करके। और एक यूट्यूब चैनल उनने खुद का भी बनाया था, बट उससे ज़्यादा गुरु कुछ नहीं मिला। बट भाई उनने अपनी मेहनत से लिया भाई किया सोनेट, भाई किया सोनेट कोई नॉर्मल बात नहीं है भाई। मुझ पे बैग ना रहे सोचो, जब पापा जॉब कर रहे हैं तब उनका, अब तुम ये समझ लो यूट्यूब पे कितना पैसा, अंधो पैसा भाई साहब। मामा सैल्यूट भाई, झपका दे दिया। अब मेरा मन कर रहा है उधर जाने का आगरा, बट ये पेपर पढ़ रहे हैं यार। और बताऊँ कल पापा तो गए हुए हैं आगरा ही, तभी उन लोगों ने आज उठाई थी कि पापा आज आ गए हैं, तभी आज उठा के अब चल दिए होंगे, अब पापा शायद वहाँ से निकल लेंगे कल परसों है। तो चलिए अभी इतना ही, तो पढ़ने बैठते हैं, बहुत देर हो गई, लैपटॉप भी चार्ज है, पढ़ते हैं थोड़ी देर फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। एक मस्त चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें, मैं पढ़ रहा था एकदम बीच में, मैंने देखा कि काम हो रहा है, जैसे आलू खुद रहे हैं, दिखाऊँ कैसे हो रहे हैं। तो ये देखो सामने आलू खुद रहे हैं, देखो पुलिस वाले लगे हुए हैं, सब लगे हुए हैं, कैदी वैदी देखो सब काम चल रहा है पूरा। अभी आलू जैसे घास घास खुद जाएगी तो काम चालू हो जाएगा, फिर आलू वाली मशीन से घुर
भाई बहुत बड़ा खेत है, जूठे वाला आलू खुदने वाले। चलिए दोबारा पढ़ने बैठते हैं। सो गाइस अभी पढ़ाई वढ़ाई खत्म कर चुके हैं और बस अब खाना खाने जा रहे हैं। और मनोज डे ने नया फोन लिया, न्यू फोन सैमसंग एस्ट्रो। भाई लॉन्च हुए अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ, उससे पहले ले लिया भाई, जब का तो यही होता है यूट्यूबरों पे। इसमें बना है पुलाव, ये बन रही है चटनी। पुलाव दिखाता हूँ आपको कैसा है, थोड़ा मैंने भी देखा नहीं है। ओ भैया आहा, मटर ही मटर झपका। तो चलिए खाते और फिर मिलता हूँ आपको थोड़ी देर में। मिलता क्या, अभी दिखाता हूँ कि कैसे चावल है। चटनी वटनी से खाने का फायदा है यार, बताऊँ बिन चटनी के खाने में मजे नहीं आते। तो भाई मैं ब्लॉग देखेगा, मुझे ऐसे बताऊँ सबकी पहचानता रहता हूँ कैसे बनना होता है ब्लॉग, जैसे कैसे एडिटिंग करते। मैं ऐसे नहीं देखता जैसे मुझे जरूरत है, मैं एडिटिंग के लिए देखता हूँ। जैसे वो जैसे सौरभ जोशी नल्ला है, उसके बताऊँ देखोगे तुम तो क्लिप की क्लिप उठा के लगाता है, उसके में कभी सिनेमेटिक नहीं आते कभी भी। सोचो उसने 10 मिलियन होने के बाद ड्रोन लिया है, जी है भाई उसका टैलेंट, 10 मिलियन होने के बाद ब्लॉग वो लिया है, तो ये समझ लो। और भाई खाना VIP सबसे फेवरेट, पहले तो अपनी चटनी, ये चावल। मम्मी घी ले आना। भाई घी डाले बगैर मजे नहीं आते खाने में, सही बताऊँ बिना घी के डाले। चलो खान पहले तो घी ले आऊँ, घी मैं ही ले आ रहा हूँ। आ गया, अरे बंद हो जा वीडियो, मुझे अपनी वीडियो बना दे। घी आ गया, पहले तो घी डाल, बिना घी के हमारे यहाँ का कुछ खाओ तो ना है। अभी तो घी, आहा अभी तो घी डलेगा निरो 6-7 चम्मच बीटी। अब घी भी डाल लो, अब खाने दो थोड़ी देर, मिलता हूँ थोड़ी देर में। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं लेटा हुआ हूँ, मैं बहुत खास चीज सीख रहा हूँ। सच बताऊँ यूट्यूब पे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज है जो बताती है कि बताऊँ आपको अपनी वीडियो कैसे अच्छे से वो करनी चाहिए। मैं आपको देखो प्रॉपर उसमें बताऊँ सब बता रहा है कि हाउ टू अपलोड योर यूट्यूब वीडियो। और भाई अच्छे खासे के वीडियो पे 1 मिलियन व्यूज और 3 लाख सब्सक्राइबर हैं भाई, तो कुछ अच्छा ही बता रहा है उसने। ऐसे मुझसे बोली डायरेक्ट यूट्यूब से वीडियो अपलोड नहीं करनी, आपको क्रोम में जाके ऐसे अपलोड करनी है। तो बताऊँ ऐसी को सीख रहा हूँ, करीब मैं देख सकता हूँ 7-8 वीडियो में बताऊँ वो अच्छे से बता रहा है। मुझे ऋषभ भाई हैं, उनने बताई कि यूट्यूब पे वीडियो देखो कि टैग वगैरह कैसे लगाते हैं, तो उसी को अभी और थोड़ा। अरे दूध की कैन भी तो रखने जानी है यार, बड़ा झंझट है। तो चलो अभी चल रहा हूँ बस थोड़ी देर में, बाहर का मौसम दिखाऊँ। सही हो रखा है, कमरा अपना गंदा पड़ा है, उससे कोई मतलब नहीं भाई। बट बताऊँ मैं चाह रहा हूँ वीडियो वायरल हो जाए, मुझे भी लोग जाने, पैसा भले ही चलो नहीं आए, मैं चैनल मोनेटाइज हो ना हो, बट लोग मुझे जाने यार। मैं एक वीडियो चाहता हूँ वायरल हो, कॉलेज में भी सब देखे बैंक। बट चलो देखते हैं अभी वायरल होगी कि नहीं, बट ऐसे ही डालने के ऐसे बताऊँ। वो ये बोला कि आपको ऐसा जरूरी नहीं है कि आप बहुत सुंदर ही हों तभी वीडियो वायरल होगी, कह रहा ऐसा कभी कुछ नहीं होता। बताऊँ आप बस मेहनत करनी चाहिए, एडिटिंग वेडिटिंग में भी मेहनत करनी चाहिए। तो भाई बहुत लोग वायरल हुए हैं, बहुत लोग यूट्यूब से मनी कमाते हैं, आप भी कमा सकते हैं, आप भी यूट्यूब चैनल खोलो। चलो मैं पहले इसकी पूरी वीडियो देख लूँ फिर मिलता हूँ। दूध लेने जा रहे थे यार, अभी आ रहा हूँ थोड़ी देर में आ रहा हूँ, बस दूध ले आऊँ। तो गाइस दूध लेने जा रहे, दूध की कैन देने जा रहे थे। अब देखो मस्त बाबू खड़ा है अपना, 112 तगड़ी लग रही है, बैंगलोर के घर के पास ही। ये देखो ये अपने क्वार्टर से, तो चलिए अभी चलते हैं थोड़ा आगे, फिर आपको दिखाता हूँ। और जैसे कैन रात में रख के आनी पड़ती है, कंपलसरी है, तो चलो भाई कैन तो रख आए, बस सुकून एक ही जगह मिलता है भाई, खुला आनंद है भाई लगता है। देखो पूरा रेलवे स्टेशन हमेशा खाली से ही रहता है, कभी भरा नहीं मिलता, कभी भी भरा नहीं मिलता, बड़ा अच्छा लगता है इस रेलवे स्टेशन में खुला खुला। भले ही देखो पार्किंग के लिए बनाई है, बट ये पार्किंग कभी खुली नहीं आज तक, तो इसका फ़ायदा उठाना चाहिए पूरा पूरा। चलिए अभी चलते हैं उस साइड में, चलते हैं राजेंद्र नगर साइड में थोड़ा घूमने, गुप्त जगह दिखाता हूँ। निकाल लो गाड़ी, शू ये निकल गई, ये देखो जस्ट रेलवे स्टेशन के पास आ गए। चलो अब चलते हैं, ये कहाँ से ब्लॉगिंग हो नहीं रही यार सही से। चलो गाइस मेन चौराहे पे आ चुके हैं, मेन चौराहे यही है प्रॉपर, देखो यहीं से सब जाते हैं। बस यार सामने फ्लैग लग रहा है, अरे जूम आ जा थोड़ा, फ्लैग लग रहा है उस साइड में और चलते हैं। ये एक चौराहा है, चलो चलते थोड़ा आगे की साइड, आपको दिखाते हैं। यार एक सोच रहा हूँ गोप्रो ले लूँ, फिर हेलमेट लगा के चलने में बड़े मजे आया करेंगे। चलो लोग रुकना नहीं चाहते बिल्कुल, नेक आगे बढ़ाते जा रहे हैं अंधी ऐसे, और चाह रहे हैं और बढ़ा लूँ थोड़ा। देखें भाई साहब रुकने लग गए अब कंपेयर पहले से, उतने थे इतना लोग, बट चलो अब लोगों के हैबिट में तो। अरे देखो वो देखो लेते अंकल आंटी। एक और मस्जिद दिखाता हूँ तुम्हें, भयंकर जोमेटो भंडार, सामने जितनी दुकान है सब A to Z। ये देखो सब जोमेटो वाले भैया खड़े हैं, सब A to Z। वो देखो एक बुलेट वाला, बेट गिरा नहीं गिरा। चलो हम भी
अभी निकलते हैं यार। तो गाइज अभी घर पे बिल्कुल वापस आ चुके हैं। बिल्कुल क्या है यार, वापस आ चुके हैं। तो भाई खेत देखो, फोकस आ जा, फोकस फोकस। हाईवे से जुड़ा हुआ है, देखो भाई साहब खेत है, अंधे खेत, वो देखो खेत ही खेत, भयंकर खेत, देखो कहाँ तक है, छे उठाए गए। तो चलिए अभी, तो गाइज अभी टाइम कुछ हो चुका है रात के, दिखाऊं पहले टाइम दिखाऊं तुम्हें, करेक्ट रात के 9 बज गए फिक्स। और हमारे यहाँ पे बनना है एक मस्त चीज, बहुत टॉप वीआईपी चीज है, ये मोमोज की चटनी बन चुकी है। इसमें डाले ये मोमोज, मैं उठा नहीं पा रहा हूँ। ये देखो ये मैदा मड़ा रखा है, ये पत्ता गोभी और ये पनीर और ये छोटे छोटे बेबी मोमोज। और भाई आज मैं आपको दिखाऊंगा मोमोज की रेसिपी, भले नहीं दिखा पाया क्योंकि पापा का फोन आ गया था उस टाइम, भाई मैं ये काट भी नहीं सकता, पापा वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कैसे बने हैं थोड़ी देर में। पनीर के मोमोज खाने में बहुत मजे आएंगे यार, सही बताऊँ तो। गाइज अपना काम और ज्यादा प्रगति पे है, देखिए पनीर वाले अलग है, ये पनीर वाले और ये बताओ, अभी आज ट्राई कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसमें, भाई भाप वाले उठाने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी, अपना सस्ता जुगाड़ दिखाता हूँ कैसे। भाई साहब थोड़ा घी डाल दो, कैसे घी डाल दे रहे हो थोड़ा थोड़ा। अरे भैया ये बताओ इससे सही रहेगा, बताओ चिपकेंगे नहीं, मैं बताओ पहले क्या, इसीलिए मुझे बस एक खाने के देखना कैसा है यार। वो पहली और बना रहे, पहली नहीं तीसरी बार बनना है अपने घर में, बनते नहीं है ज्यादा। मम्मी निकाल लेंगी, मम्मी निकालो। ओ भाई साहब गाइस अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो जल रहे हैं बस थोड़े, आपको दिखाता हूँ। एक नीचे गिर गया दिखाऊं कैसे, ये देखो एक नीचे गिर गया। चलो अभी टेस्टिंग करते हैं, जैसे दो चटनी लाया था, एक अपनी घर की है एक बाहर की, दोनों से चख के अभी आपको बताता हूँ कैसे बने हैं। चलिए अभी हम टेस्टिंग करने वाले हैं, पहले ही बुक से हटा दो, हटा दी भाई, देखो दो चटनी है, पहले इसे आधा तोड़ता हूँ भाई। तुम मेरे एक्सप्रेशन देखना खाने के बाद, थोड़े कच्चे हैं। गाइस अभी बताऊं बाहर वाली चटनी, घर की चटनी खाता हूं जो थोड़ी मीठी सी है, बस यार खाने में बहुत अच्छे लग रहे हैं सही बताऊं। अब जो बिहाइंड द सीन कैमरा खाता है उसे भी खाना है, वो मारने की कह रहा है मुझे, तो अब चलते हैं उस कमरे में और खाते हैं। चलिए तो गाइस ये आ गए मेरे पनीर वाले मोमोज और ये चटनी बहुत सारी, तो पहले थंबनेल को थोड़ी देर में। गाइस अब मैं पनीर वाले मोमोज की स्टफिंग दिखाता हूँ आपको। आहा भैया जे खाने में आएंगे मजे, तो इसकी एक बार चखू कैसे बने हैं जी, मस्त पके हैं, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो आज का व्लॉग यहीं समाप्त करता हूँ, पसंद आया तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, जय हिंद जय भारत।